दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान की बात पे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप सपने में आलू का चोखा देखते हैं या आलू का चोखा बनाते हैं तो एक कैसा स्वप्न होता है। सपने में इस तरीके की चीज़ें या आलू का व्यंजन बनाना, आलू के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है और संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति आने वाले हैं जो कि आपके डिफरेंट जेंडर के होंगे। यानी कि अगर आप पुरुष हैं और इस प्रकार के सपने देखते हैं तो आने वाले समय में आपके दोस्त या प्रेमिका के रूप में कोई महिला आपके जीवन में आने वाली है जो आपकी लाइफ की बहुत सारी हसरतें उनसे आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप एक महिला हैं और एक लड़की हैं और इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं तो संकेत करता है एक मेल फ्रेंड आपके लाइफ में आने वाली है, एक लड़का दोस्त आपके लाइफ में आने वाला है या वो प्रेमिका के रूप में आपके जीवन में आ सकता है। तो इस प्रकार के सपने संकेत करते हैं या प्रेमी या प्रेमिका मिल सकता है आपके जीवन में अगर आप सपने में आलू के भांति भांति प्रकार के व्यंजन को देखते हैं या उसको आप खुद बना रहे हैं तो ये सपने आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। सपने में आलू का चोखा बनाना या किसी और को आलू का चोखा बनाते हुए देखना या खाते हुए देखना इस और भी संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से धन प्राप्त होने वाला है, आर्थिक रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये फ़ायदा आपको किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकती है, लेकिन धन का लाभ हो सकता है, आर्थिक रूप से आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवारजनों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर संकेत करने वाला होता है। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।